हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हु डिड पैट्रिक होमवर्क। दिस स्टोरी इज फ्रॉम द बुक स्टेपिंग स्टोन्स और इसके राइटर है कैरल मूर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बी ऑनेस्ट, डू यू लाइक डूइंग होमवर्क? व्हाई नॉट? ऑनेस्टी के साथ बताइए कि क्या आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, और अगर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता। फॉर्म पेयर्स, आस्क ईच अदर, पेयर्स बनाइए और एक दूसरे से पूछिए। Do you really think without the homework you will remember the lesson? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आप बिना होमवर्क किए अपने लेसन को याद रख सकते हैं? अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। Read how lazy Patrick found someone to do his homework or did he? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह Patrick, जो कि एक लेजी बच्चा है, उसने किसी को ढूंढा अपना होमवर्क करने के लिए, या फिर उसने अपना होमवर्क खुद कर दिया। Patrick never did his homework. Too boring, he said. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था, उसे होमवर्क करना काफी बोरिंग लगता था। He played baseball and basketball and Nintendo instead. Nintendo का मीनिंग होता है, Nintendo एक तरह का वीडियो गेम है। तो पैट्रिक को होमवर्क करने के बजाय बेसबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना और Nintendo खेलना काफी ज्यादा अच्छा लगता था। His teacher said, Patrick, do your homework or you won't learn nothing. तो पैट्रिक के टीचर्स उसे कहते थे कि पैट्रिक होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। Then on the same Patrick's day, his cat was playing with a little doll and he grabbed it away from the cat. फिर सेंट पैट्रिक्स डे के दिन क्या होता है कि पैट्रिक की जो कैट है वो छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी। तो पैट्रिक क्या करता है, उस छोटे से डॉल को अपनी कैट से छीन लेता है। To his amazement, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. अमेजमेंट का मीनिंग होता है आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभा हो जाना। तो जैसे ही पैट्रिक उस डॉल को अपनी कैट से छीनता है तो वो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो एक डॉल नहीं थी बल्कि के बहुत ही छोटे साइज का एक मैन था। He wore a little woolen shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. Breeches का मीनिंग होता है pair of trousers. तो उस टैनिस साइज के मैन ने छोटा सा वुलन शर्ट, यानी कि छोटा सा ऊनी शर्ट पहना हुआ था काफी ओल्ड फैशन ट्राउजर्स के साथ, एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। तो जिस तरह से विचेस पहनती हैं हाई एंड टॉल हैट, उसी तरह का हैट पहना हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। येल्ड का मीनिंग होता है चिल्लाना। तो वो टैनर साइज का मैन चिल्लाकर पैट्रिक से कहता है कि मुझे बचा लो और मुझे उस कैट को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा और मैं ये तुम्हें वादा करता हूँ। पैट्रिक डिडंट बिलीव, हाउ लकी ही वाज। पैट्रिक यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम। उसे लग रहा था कि ये उसके सारे प्रॉब्लम का हल है। So he said, only if you do my homework till the end of the term, that 35 days. So Patrick उस टैनिस साइज के मैन से कहता है कि मैं तभी तुम्हें बचाऊंगा जब तुम मेरा होमवर्क करोगे मेरा टर्म खत्म होने तक, जो कि 35 डेज यानी कि 35 दिनों का है। If you do a good enough job, I could even get A+. और पैट्रिक उस टैनिस साइज के मैन से ये भी कहता है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे, यानी अगर तुम मेरा होमवर्क अच्छे से करोगे तो मुझे A+ भी मिल सकते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ। तो ये सुनते ही उस टैनियर साइज के मैन के फेस पे रिंकल आ गए, जैसे कि डिश क्लॉथ पे कैसे क्रीजेस पड़ जाती हैं, उसी तरह से उसके फेस पे रिंकल आ गए। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एट हिज वाइमर्स एंड स्काउट एंड पर्स्ड हिज लिप्स। तो ये सुनते ही वो टैनियर साइज का मैन अपने लेग को किक करने लगा, अपनी मुट्ठी कसने लगा। ग्राइनेस्ट का मीनिंग होता है मुंह बनाना एंड स्काउट का मीनिंग होता है आईब्रोज चढ़ाना। तो वो आईब्रोज चढ़ाकर अपने लिप्स को सुखड़ाकर अजीब तरह से मुंह बनाने लगा। ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। तो वो टैनियर साइज का मैन कहता है कि क्या मैं श्रापित हो गया हूँ, बट लेकिन मैं ये करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ का मीनिंग होता है जिन एंड लिटिल एल्फ का मीनिंग बोना जो। तो अपने वादे का पक्का होते हुए वो लिटिल एल्फ क्या करता है, पैट्रिक को होमवर्क करना शुरू करता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, यानी कि बस एक ही छोटी सी प्रॉब्लम होती है। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उस लिटिल एल्फ को ये नहीं पता था कि उसे करना क्या है और इसके लिए उसे हेल्प की जरूरत थी। हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प से पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे।
तो वो टैनर साइज का मैन हेल्प मी पैट्रिक को कहता है और पैट्रिक को हर हालत में उसकी हेल्प करनी पड़ती है। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल फीडिंग पैट्रिक होमवर्क। स्क्वीक का मीनिंग होता है चीखना। तो वो लिटिल एल्फ बोलता है पैट्रिक को होमवर्क पढ़ते हुए कि मुझे ये वर्ड नहीं पता। Get me a dictionary? No. What's even better? Look up the word and count it out by each letter. मुझे एक डिक्शनरी लाके दो। नहीं, इससे अच्छा ये होगा कि तुम वर्ड को देखो और each letter यानी कि हर एक letter मुझे पढ़कर सुनाओ। When it came to maths, Patrick was out of luck. और जब maths की बारी आई तो Patrick luck से बिल्कुल बाहर था क्योंकि वो जो little elf था उसे maths के बारे में कुछ भी नहीं पता था। What are timetables? The elf shrieked. Again, shriek का मीनिंग भी होता है चीखना। तो वो लिटिल एल्फ बोलता है कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। वो चीखते हुए पैट्रिक से पूछता है कि टाइम टेबल्स आखिर होते क्या है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। तो वो कहता है कि हम एल्फ्स को कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हियर सिट डाउन बिसाइड मी यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो वो कहता है पैट्रिक से कि तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे गाइड करते रहो। Elves know nothing of human history, to them it's a mystery. तो जो elves होते हैं उन्हें human history के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो human activities जितनी भी होती हैं, वो सारी उनके लिए एक mystery, एक रहस्य की तरह होती हैं। So the little elf, already a shouter, just got louder. तो जो वो little elf था जो कि पहले से ही बहुत ही चिकने वाला था और ज्यादा loud हो जाता है और कहता है Go to the library, I need books. Library जाओ, मुझे books की जरूरत है। More and more books, और ज्यादा books. And you can help me read them too. और तुम मुझे उन बुक्स को पढ़ने में मदद भी कर सकते हो। In fact, every day in every way, the little elf was a nag. असलियत में हर दिन हर तरह से होते little elf का वो एक nag था। तो nag का जो meaning होता है वो होता है सिर खाने वाला, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला। Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights. He had never felt so weary. पैट्रिक बहुत ज्यादा मेहनत करता था और इतना हार्ड वर्क उसने पहले कभी नहीं किया था और ये सारी चीजें उसके लिए काफी बोरिंग थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, मतलब वो रात रात भर जाकर उसकी मेहनत उसकी हेल्प कर रहा था। ही हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और उसे इतना थका हुआ इतना टायर्ड कभी फील नहीं हुआ था। एवरी डे ही वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पॉप्ड एंड ग्लेयरिंग। पॉप्ड का मीनिंग होता है स्वेलन यानी कि सूझा हुआ एंड ग्लेयरिंग का मीनिंग होता है डल एंड टायर्ड। पैट्रिक हर दिन सूजी हुई आंखें और काफी डल एंड टायर्ड फेस के साथ स्कूल जा रहा था। फाइनली द लास्ट ईयर ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। तो आखिरकार स्कूल का लास्ट डे आ गया था और वो जो लिटिल एल्फ था वो अब जाने के लिए बिल्कुल फ्री था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। स्लाइली का मीनिंग होता है क्लेवरली यानी कि चालाकी से। तो जैसे कि होमवर्क करने के लिए कुछ भी नहीं था तो वो जो लिटिल एल्फ था वो क्वाइटली यानी कि चुपचाप से और चालाकी से बैक डोर से क्या करता है, निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज ए प्लस, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। पैट्रिक को मार्कशीट में ए प्लस मिला, उसके जो क्लासमेट्स थे वो काफी अचंभा हो गए थे और उसके टीचर्स के चेहरे पर स्माइल थी और वो पैट्रिक को प्रेज कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। अब पैट्रिक के जो पेरेंट्स थे वो ये सोच रहे थे कि आखिर पैट्रिक को हुआ क्या था जो उसने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए। ही वाज नॉट द मॉडल किड। पैट्रिक अब एक मॉडल किड बन चुका था, एक ऐसा बच्चा जो दूसरे बच्चों को इंस्पायर करे। ही क्लीन हिज रूम्स, डिड हिज स्कोर्स, वाज चीयरफुल एंड नेवर रूड। वो अपने रूम को साफ रखता था, अपने कोर्स का मीनिंग होता है डेली टास्क। तो वो अपना डेली टास्क यानी कि हर दिन का काम करता था, खुश रहता था और पहले की तरह रूड नहीं था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. तो आपने देखा कि लास्ट तक पैट्रिक को यही लगता रहा कि पैट्रिक उसने अपना होमवर्क उस लिटिल एल्फ से करवाया है। But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf, Patrick had done it himself. But मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताती हूँ। वो एल्फ नहीं था जिसने कि पैट्रिक का होमवर्क किया, पैट्रिक ने खुद का होमवर्क खुद से किया। क्योंकि उस एल्फ को तो पता ही नहीं था कि होमवर्क कैसे करना है। वो पैट्रिक ही था जो उस लिटिल एल्फ को होमवर्क करने में उसकी मदद करता था, उसे गाइड करता था। तो इनडायरेक्टली पैट्रिक ने अपना होमवर्क किया है।
होप आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज 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 टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।